हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। तो देखिए आज मैं अपनी न्यू ब्लॉग क्या करती हूँ। और ये मैंने सुबह ही सूट कर लिया था थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने दाल को भिगोने के लिए रख दिया है ताकि मैं इसको एक घंटे बाद बना लूँ। और यहाँ पर ये मेरी सुबह की चाय बड़े बर्तन में, और मैं ऐसी ही चाय पीती हूँ, ज़्यादा चाय पीती हूँ। तो ठंडी करने के लिए मैंने इसमें बर्तन में कर ली है ये कटोरी में। और यहाँ पर हमारा दिव्यांश सो रहा है, अभी सुबह 8 बज रहे हैं फिर भी ये जगह नहीं है, लेट तक सोता है। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा ले लेती हूँ हरा धनिया। और इनसे धनिया से बहुत अच्छी खुशबू आती है दाल या सब्जी वगैरह में। तो इस टोकनी को मैं किचन में रख आती हूँ अंदर। दाल तो मैंने बनने के लिए रख दी है गैस पे। जैसे ही थोड़ी सी दाल बन जाती है, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आती है ओनली नमक वाली। तो यहाँ पर मैं दिव्यांश को नमक वाली दाल खिला रही हूँ, और ये साथ में अपनी घोड़ी को लेकर बैठा है। आप लोग देख सकते हो ये साथ में घोड़ा है और कुत्ता है, ये सब लेके बैठता है, उनको भी खाना खिलाता है अपने साथ में। क्या खिलाया है? दाल खिला रही हूँ। लो तुम खाओगे? डॉगी को खिलाओगे? तो दिव्यांश को सिंपल दाल या दाल का पानी खिलाने के बाद मैं दाल में भी तड़का लगा दिया है धनिये का और हरी मिर्ची लहसुन प्याज का तड़का। और मॉर्निंग में हमारे यहाँ आती है चारा भैंस के लिए और गैया के लिए। तो यहाँ पर मैं चारा पूछ रही हूँ, सीजन के हिसाब से चारा होता है। तो फिलहाल बरसी का सीजन तो नहीं है, चरी का सीजन है, और बरसी खत्म होने वाली है। अब आया करेगी घर पर चरी कूटने के लिए, भैंसों के लिए खाने के लिए। जब चरी का सीजन चलता है तो उसको भी हम हाथ से ही इसी तरीके से मशीन से कूटते हैं, इंजन वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कि हाथ से मशीन द्वारा जब चारा कूटते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम ऐसा हो जाता है जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं उसी तरीके का, बहुत ही अच्छा दिन जाता है उस दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, तो इसी तरीके से काम होता है, हम कंटिन्यू ऐसे ही काम करते हैं। और दिव्यांश की कटोरी देख लीजिए, ये लाया है बकरी, तो पड़ोसी हमारे बकरी रखते हैं। तो मैं कर रही है सोनी, देख देख कन्नू तो ये बेडशीट भी आज बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, मैंने धो दी है और धो के बेड पे भी डाल रही हूँ इसको, क्योंकि ये सूख भी गई है। धूप बहुत ज्यादा कड़क है तो 10 मिनट में तो कपड़े सूख ही जाते हैं। तपे तो है, लाओ मुझे दे दो, लाओ। तो अभी शाम के 4 से 5 बज रहे हैं कम से कम, और दिव्यांश यहाँ पर खेल रहा है। और आप लोग देख सकते हो कितना सारा कांच टूटा पड़ा है, फूटा पड़ा है, यानी कि तो हाथ से प्लेट नीचे गिर गई थी तो बहुत सारे कप भी फूट गए हैं, घर पर बहुत सारा नुकसान हो गया। कम से कम 6-7 तो कप होंगे, और दिव्यांश उनको और ज़्यादा फेंक रहा है। तो देखो आप लोग देख सकते हो दिव्यांश ऐसे ऊपर की तरफ पैर कर रहा है ना, इसके पैर में चोट लग गई है और इन्हीं कांचों से लग गई है, थोड़ा सा रह गया था दिखा नहीं, वैसे तो सारे कांच फेंक दिए थे हमने, पता नहीं कहाँ से रह गया वो। और जैसे ही ये उधर गया ना कॉर्नर में, तो इसके देखो पैर में ये कांच लग गया, इतनी ज़्यादा खून निकले ना, बहुत ज़्यादा खून निकले, कम से कम 1 घंटे में चुभ हुआ है ये। तो अभी साड़ी वाले भी आए थे, उनसे हमने साड़ी भी ली है, 2-3 साड़ी ली है, एक तो मैंने ली है अपने लिए, मैंने क्या सासू माँ ने दिलवाई है, ये वाली साड़ी मेरे को सासू माँ ने दिलवाई है, ये जो साइड में जो पॉलिस्टर वाली है वो बुआ जी के लिए लिए हैं, और ये भी मेरे लिए दिलवाई है, 2 दिलवाई हैं मेरे लिए। डेली वेयर्स के हिसाब से वैसे बहुत अच्छी हैं, हल्की भी हैं। और ये हो गई हमारे दूल्हे राजा की शेरवानी, यानी कि बुआ जी के लड़के की शादी है ना, तो उनके लिए जो हमारे पास शेरवानी है ना हमारी मासा जी की, वो उसी शेरवानी को पहन रहे हैं, क्योंकि भाई भाई हैं तो पहन तो सकते हैं, उनका भी साइज एक ही है, दोनों का एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। तो बोल रहे थे मैं पैसे खर्च करूँगा भैया, मैं आपकी ही पहन लूँगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहन लो। मैंने अभी लगाई अपने फेस पर गोल्ड ब्लीच, और ब्लीच कम से कम 18 से 20 मिनट रखनी पड़ती है, और जैसे कि किसी का कलर फेयर है तो ओनली 12 से 15 मिनट, और किसी का कलर थोड़ा सा सांवला है यानी कि डार्क कलर है तो कम से कम उसको 20 मिनट ब्लीच रखनी पड़ती है अपने फेस पर। तो फिलहाल मैं अपने फेस पर 15 से 16 मिनट में ही ब्लीच को साफ़ कर दूँगी।
अभी जा रही हूँ मैं अपनी ब्लीच को साफ करने, आप लोग देख सकते हो आंखें थोड़ी सी लाल हो गई हैं, तो मैंने अभी ब्लीच साफ कर लिया अपने फेस से और आंखें भी थोड़ी थोड़ी अभी भी लाल हो रही हैं। थोड़ा सा फियर हो जाता है इससे कलर ना, तो कल वो है बात है ना, तो बात की वजह से मैंने ब्लीच लगाई थी अपने फेस पे अभी। तो अभी मैं अपना ब्लाउज डाल भी डालूँगी वाला, अभी जो मैं आपको दिखा रही थी पॉलीथीन में रख दिया ये वाला ब्लाउज मैं अपना डालने जा रही हूँ, तो अभी सुबह तक वो सिल देगी तो सही है। वैसे मेरे को सुबह ही चाहिए ये जाने के लिए, तो मैं कल जो साड़ी लेके आई हूँ उसी साड़ी को ब्लाउज है ये, और उसको पहन भी जाऊँगी मैं बाद में। तो अभी मैं ब्लाउज डालने जा रही हूँ, तो बाहर दिखा देती हूँ मैं बाहर क्या हो रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर ये जो साड़ियाँ हैं और पेंट शर्ट है, बैक कैमरे पर आपको दिखा देती हूँ। ये जा रहे हैं गिलास, इस तरीके के गिलास हैं। क्या रुपया होगा जी गिलास? ये 12 का तो होगा ना, ये गिलास कम से कम 12 रुपए का होगा। और थार 35, ये 35 रुपए का। और ये पेंसिल है, ये है पॉलिस्टर की साड़ी, 7 साड़ी। और ये जो साड़ी है वो सभी जिन्होंने इतनी मंगाई हैं बुआ जी ने उसके हिसाब से लेके जा रहे हैं। और ये वाला सूट दीदी के लिए है, ये वाला भांजी को सूट है, बुलावा देते हैं तो उसके बारे में कुछ बताएंगी। लेडीज देखने आएंगी यहाँ पे, सामान देखेंगे कि नहीं। हाँ, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अपने जो घर वाले होते हैं आसपास के पड़ोसी जो होते हैं उनके लिए बुलावा दिया जाता है कि ये जो सारा सामान आया है भात के लिए इनको देखें। और यही होता है, सब रीति रिवाज सबकी अलग अलग होती है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ ब्लाउज डालने के लिए। अभी मैं गेट पे तो चली गई थी लेकिन गेट पर खाली जो तगाड़ी होती है, तगाड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ, परात बोलते हैं, पता नहीं अपनी अपनी लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ परात बोलते हैं। तो सामने से जैसे हम गेट से बाहर निकले तो एक दीदी जस्ट सामने गेट के सामने, जैसे हम एंट्री कर रहे थे गेट में, वो सामने से गई हैं खाली परात लेके। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि सही नहीं है, तो वो बोल रही थी कि पानी पी के जाओ। तो फिर हम थोड़ी देर बैठ के कम से कम 1 से 2 मिनट बैठ के फिर दोबारा से रिटर्न होकर फिर जाएंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ बेसमा में सिलाई सेंटर पर, ये है सिलाई सेंटर। लेकिन यहाँ पर तो अभी मुझे मैं आ चुकी हूं टेलर की दुकान पर, अब मैं सूट और वो लेके आई हूँ। अभी मैं जो आपको घर पे दिखा रही थी ये है टेलर की शॉप, लेडीज टेलर है। और पिछली बार मैंने जो कल साड़ी पहनी थी अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, तो वो ब्लाउज मैंने यहीं से सिलवाया था, इन्हीं से सिलवाया था वो ब्लाउज येलो कलर वाला। तो ठीक ठाक था, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही ज़्यादा, मैंने और कोई टेलर देखे भी नहीं है यहाँ पे, बस यही देखे हैं। और चलो मैं सोच रही थी यहीं पर डाल देती हूँ, वैसे भी अर्जेंट है, कल ही पहननी है ना वो वाली साड़ी मेरे को। तो फिर जल्दी जल्दी मैं, पहले भी मैं ऐसी जल्दी जल्दी मैं डाल के गई थी यहाँ पे इन पर, अभी वो दूसरी वाली शॉप पे है, उनकी 2 शॉप हैं। तो आ रही है वो, उनकी बेटी बुलाने गई है उनको। जी दसवाई ना चाहिए, बढ़िया दिखाओ, 50 वाली दे दो, रेड कलर देखिए, रेड कलर होगा जाकर, कलर रेड चाहिए, ये 90 वाली है। हाँ, 120 रुपए में। और ये वाली 100 रुपए की, 100 रुपए की। अब वो 120 रुपए में, 70 की। ओके, क्या भाई 24 घंटे तक रहेगी। अच्छा, मस्त ये लग रहा है, गजब बड़े नाम है फेस पे, गजब। ये वाला चश्मा डांस के लिए पसंद किया है। तो अभी कॉस्मेटिक वाली शॉप से मैंने ये लिया बिंदी का पत्ता, दिव्यांश के लिए एक हैंकी लिया है, उसके पास हैंकी नहीं था, मैंने लिया अपने रेड कलर की मांगवर्णी की और सिंदूर। और ये लिया महरूम सबसे छोटे साइज में बिंदी, और डेली वियर्स के हिसाब से ये पिंक कलर के लिए पिस्टी। चलिए मैं खोल के दिखा देती हूँ, तो ये कलर है इसका अंदर से। और ये लिए मैंने साक्षी के लिए चिमटी, और ये 2 कौन ली हैं मेहंदी की कल लगाने के लिए, आज लगाएंगे। और ये हो गया हमारा शाम का खाना, आलू पालक की भुजिया और चूल्हे की रोटी।
मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें।